हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल से क्या मैसेजेस है आज आपके लिए वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। तो अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है, या फिर अपने दिल की बात वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं, तो हम जानेंगे मैसेजेस के थ्रू। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। आज के दिन उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं? अनकंडीशनल लव, सोलमेट, क्या बात है आज, क्या है? नथिंग टू वरी अबाउट एंड सून एंड न्यू डोर ओपनिंग की बात। ओके, कार्मिक पार्टनर। ओके, सो कुछ लोगों के केसेस में है कि कुछ केसेस में ऐसा लगा कि दे आर डीलिंग विद द कार्मिक पार्टनर्स। स्ट्रॉन्ग मैसेज है क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव, सोलमेट्स, नथिंग टू वरी अबाउट एंड सून न्यू डोर ओपनिंग। तो ऐसा लगा कि उनका मैसेज स्ट्रॉन्गली ये है कि उनको ना कहीं फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ये जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, अनकंडीशनल है। आप उनसे जितना अनकंडीशनल प्यार करते हैं वो उसे फील करने लगे हैं और उसे ही मिस करते हैं। और हो न हो उनको रियलाइजेशन है कि आप लोगों का सोल कनेक्शन है डेफिनेटली, और उनको ऐसा लग रहा है कि डीलिंग विद अ कार्मिक पार्टनर, शायद अभी वो कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश में है, न्यू डोर्स ओपनिंग। तो ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीद लेके बैठे हैं कि कुछ तो हो, कुछ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उन्होंने क्रिएट की है। अभी रास्ते भी उनको ही ढूंढने हैं क्योंकि उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। यस, तो वो चीज़ फील हुई। एंड ऐसा लगा कि सबसे बड़ा मैसेज है कि आपको बहुत जल्द वो कॉल मैसेज कर सकते हैं। यस, बहुत ज़्यादा जल्द स्पेशली मैसेज आ सकता है, बात कर सकते हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई। वेरी सून दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, कि जैसे बात क्लियर करनी है कि तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, आई एम गोइंग टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। वाली एनर्जी मुझे अचानक फील हुई। एंड एक्सट्रीम अनकंडीशनल लव, बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिक एनर्जी में है, जहाँ पे वो अपनी सोल को जैसे फील कर रहे हो, सोलमेट को फील कर रहे हैं। और हो ना हो उनको फील हो रहा है कि आप उनके लिए कितना खास हो, आप लोग का कनेक्शन कितना खास है। लेट मी परस्यू। तो मैंने कहा ना कि ये कुछ कोशिश में है कि गलती इन्होंने की है तो अभी ठीक भी उन्हें ही करना है। और हो ना हो अभी ये कोशिश इनकी तरफ से है, और उनको जैसे रियलाइजेशन हुआ है ना कि आपको हर्ट करके बहुत गलती की है और अभी ठीक भी इन्हें ही करना है, ये अभी आपके पीछे पड़ना चाहते हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इन्होंने बहुत कुछ चीज़ छुपाई थी। यस, इन्होंने बहुत कुछ छुपाई थी। तो ऐसा लगा कि जैसे थर्ड पर्सन का एंट्री या फिर कोई डिसीजन है वो छुपाया था। ये बहुत सारी चीज़ें या कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ आपसे छुपा के रखे और उसी चीज़ में एक ट्रिगर मिला है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। अपना प्यार वो एक्शंस के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं। उनको पता है कि इन्होंने जो गलती की है अभी वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ ही ठीक की जा सकती है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। उनको आपका इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, तो वो उनको बहुत बुरा लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इस चीज़ की उनको जैसे ना आदत ही नहीं है। My heart belongs to you. Definitely इनको एहसास हो रहा है कि अभी इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए कितना खास हो। तो अभी कहते हैं कि अब my heart belongs to you. आपका
अपना दिल जैसे आपके लिए है, दिल तो धड़कता है आपके लिए, जैसे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड. गलती इनकी तरफ से हुई है, बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन डरे हुए हैं, स्पेशली हो सकता है कार्मिक पार्टनर से या फिर आपके गुस्से से. यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फील्ड बिफोर. आपने जैसे प्यार को, प्यार के एहसास को एक स्पेशल फीलिंग्स में कन्वर्ट किया है, आपने एहसास कराया हुआ, तो वो अभी फील हो रहा है ना कि ये सब चीज़ें जो उन्होंने, मतलब आपसे जो फीलिंग्स थी वो पहले कभी इन्होंने फील नहीं की. इट वॉज़ अ वेरी न्यू एंड यूनिक एक्सपीरियंस. आई कैप द टेक्स्ट. सो आपके जो भी टेक्स्ट है, मैसेजेस है, वो हर चीज़ जो भी स्पेशली इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो संभाले जाते हैं. आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू. सो ऐसा लगता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, किसी और से वो प्यार नहीं कर सकते, और इवन बहुत ज़्यादा लाइक अलग ही लाइक आपकी तरह वो प्यार कर सकते. इट डजेंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू. आपसे दूर रह के बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है. आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे. सो यहाँ पे जो भी है सोलमेट का कनेक्शन में, मैरिज इज़ काइंड ऑफ थिंग लाइक कमिटमेंट की एनर्जी है, और इट्स लाइक अ कमिटमेंट की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है. तो अगर शादी भी हुई है तो ऐसा लाइक उसमें स्टेबिलिटी की एनर्जी है. तो ये उनकी तरफ से मैसेजेस है कि उस चीज़ के लिए वो काम करना ज़रूर चाहेंगे. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. और जब भी आप बुकिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो बुकिंग हुई कि नहीं, कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं, प्लीज़ चेक करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.